जो टिप्पणी मैं देने वाला हूं रामानुज दासा श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय दो सांख्य योग श्लोक सात। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम् धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वाम् प्रपन्नम्। ओम। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है, कृष्ण कार्पण्यम दोष ने मुझ पर हावी पा लिया है, इससे मेरे हौसले पस्त हो गए हैं। मैं धर्म क्या है इसका निर्णय करने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप कृपया मुझे बताएं कि ऐसा क्या निर्णय लिया गया है जिससे समृद्धि आएगी। कृष्ण मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपके नीचे शरण लेता हूं। यही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहा था। यह अर्जुन ने कार्पण्यम शब्द का प्रयोग किया है। कार्पण्यम का सामान्य अर्थ कायरता है। उपनिषदों में भी कार्पण्यम शब्द का प्रयोग हुआ है। उपनिषदों में इस शब्द का जो अर्थ दिया गया है वह यह है कि जीवन का लक्ष्य आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में इस ज्ञान को प्राप्त करने में विफल रहता है और अपना शरीर छोड़ देता है, उसे कार्पण्यम नामक दोष होता है। यहां अर्जुन ने कार्पण्यम शब्द का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण ने सामान्य अर्थ न लेकर विशेष अर्थ ग्रहण किया। कार्पण्य दोष को समाप्त करने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को और उनके माध्यम से हम सभी को उपनिषदों का सार दिया, जो श्रीमद् भगवद गीता कहलाता है, जो हम सभी को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने और हमारे जीवन को उद्देश्य पूर्ण बनाने में मदद करेगा। भले ही अर्जुन ने अपने अवसाद और कायरता का वर्णन करने के लिए कार्पण्यम शब्द का प्रयोग किया है, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा कहे गए साधारण अर्थ को नहीं लिया। यदि भगवान श्री कृष्ण इसे साधारण अर्थ मानते तो अर्जुन को सामान्य शब्दों में सामान्य ढंग से युद्ध करने के लिए ही प्रोत्साहन और सांत्वना देते। श्री कृष्ण को आत्मा और परमात्मा की व्याख्या करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कार्पण्य का सामान्य अर्थ न लेकर उपनिषदों द्वारा दिए गए विशेष अर्थ को ग्रहण किया और विश्व के कल्याण के लिए श्रीमद् भगवत गीता का प्रतिपादन किया। इस श्लोक के माध्यम से हमें जो संदेश और पाठ समझना और मानना चाहिए वह यह है कि हमें दूसरों के शब्दों को साधारण अर्थ समझकर गलत नहीं समझना चाहिए। हमें दूसरों के द्वारा बोले गए शब्दों को लेना चाहिए और केवल उस विशेष अर्थ या सत्व को ले निकालना चाहिए जो सभी के लिए कल्याणकारी है हो। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूं जो इन 8 बातों का पालन करते हैं।
मैं उन भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है श्री कृष्ण मैं वही करूंगा जो आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपनी प्रतिज्ञा दें कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। परमात्मा को यह शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं ये 8 व्रत कहूंगा जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। आज हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हैं, इसी प्रतिज्ञा को मन में रख भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्न भरी मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन्नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन्नारायण, आपके निर्देश अनुसार हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में ही सोचूंगा। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन्नारायण, आपके सलाह अनुसार हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन्नारायण, मैं आपकी सेवा और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगा। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन्नारायण, जैसा कि आपने कहा था अनुसरण करें। मुझे बहुत विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ एक साथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कारम करूंगा और आपकी पूजा करूंगा। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन्नारायण, मुझे आपके शब्द माम एकम शरणम व्रज 18:66 याद है। यथानुसार मैं खुद को आपके सामने अर्पित करता हूं। श्रीमन्नारायण, मैं हमेशा आपकी शरण में जाता हूं। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन्नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 18:66 याद है, जिसमें आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वादा, हे श्रीमन्नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता प्रदान करके हम सभी को अनुग्रहित और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वादा, हे श्रीमन्नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुंचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को अपने 8 वचन दिए हैं। प्रत्येक दिन श्रीमन नारायण को अपना वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, मैं वैसा ही करूंगा जैसे आप कहेंगे। मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा आप चाहते हैं और मैं केवल आपके लिए ही काम करूंगा। श्रीमन नारायण, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम् धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहितन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। ओम।
कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् ॐ श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण। सभी भक्तों से एक विशेष निवेदन, हमारे जीवन में सभी चीजों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायणास्त्रम पढ़ें। नारायणास्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायणास्त्रम वेबसाइट पर जाएं, जो www.narayanastram.org है, और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर आपको एक नारायणास्त्रम पीडीएफ प्राप्त होगा। पीडीएफ में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम है। इन तीनों को मिलाकर नारायणास्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन्न संयोजन प्राप्त होता है। जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रतिदिन अपने नारायणास्त्रम को पढ़ता या सुनता है, संपूर्ण रामायण का एक दौर, श्रीमद् भगवद गीता पारायण के 33 दौर, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होता है। यह एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर एक दिन ऐसा करने से निकलता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाकर अपना नारायणास्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।